वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान थर्ड T20 मैच जो हॉबार्ट में इस वक्त खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, एंड वाज इट अ गुड डिसीजन नॉट? वेल, जब मैच प्रोग्रेस होगा हम आपको बताएंगे, बट जस्ट लाइव अपडेट और स्कोर अपडेट आपको दे देंगे। पाकिस्तान की ओपनिंग पे साहिबजादा फरहान एंड बाबर आजम ने शुरू की ओपनिंग, एंड साहिबजादा फरहान 9 रन बनाकर आउट हो गए, एंड इट्स अगेन स्पेंसर जॉनसन हु हैज़ बीन वेरी लीथल अगेंस्ट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 17 for 1। सो किस तरह वो आउट हुआ, कैच था ऑन मिड विकेट, और आशीष भाई आप भी साथ साथ देख रहे थे, दैट्स अ शॉट इन फ्रंट ऑफ यू। जी, अच्छा स्टार्ट लिया है शुरू में, जो चाहिए होते हैं आपको, लेकिन साहिबजादा फरहान बड़ा परफॉर्म करके गए हैं, अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है, लेकिन जो देखने में आया तीनों दफ़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और उसको क्रॉस खेलने में आउट हुए, मीट नहीं कर पा रहे, बाउंस और पेस को शायद मैनेज नहीं कर पा रहे। अच्छे बैटर हैं, परफॉर्म करके गए हुए, लेकिन जॉनसन ने वहीं पर ट्रैप किया जहाँ पर इनको पहले मैच में बाउंसर किया था 2 चौकों के बाद, और इनके साइड बाउंसर पे चेक हो रहे हैं ये। लेकिन स्टार्ट अच्छा है, आने वाले बैटर्स को भी इसी मोमेंटम से खेलना पड़ेगा, वरना दर पावर प्ले में हमेशा से पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे मोमेंटम रोकना नहीं चाहिए, जो स्टार्ट लिया बाबर ने स्टार्ट लिया है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और सलमान अली आगा भी तेज़ खेल रहे थे, ये कंटिन्यू करना चाहिए उनको। बिल्कुल, आपको बाउंस के ऊपर रहना, यू हैव टू टॉप दैट बाउंस, बट दैट्स एग्जैक्टली जो एक मैसेज होगा सब बैटर्स को। हसीबुल खान आए बैट नंबर 3, लेट्स सी वो कैसा यहाँ करते हैं, बट ये सब इंटरेस्टिंग होगा आज पाकिस्तान की बैटिंग, क्योंकि यही अब टोन सेट करेगा मैच का कि पाकिस्तान कितना एक चैलेंजिंग स्कोर दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को और किस तरह विकेट्स इंटैक्ट रखता है। जी हाँ फातिमा, क्योंकि अभी तक जो हमने वनडे सीरीज़ खेली या T20 सीरीज़ खेली, तो हमने टारगेट चेस करने की तरफ गए। आज पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, और जिस तरह अभी हसीबुल्ला आए और उन्होंने ये अब हम देख रहे हैं कि कवर्स में चौका मार के 4 रन भी हासिल किए, तो अब देखना है कि पाकिस्तान कितना टारगेट अपने बॉलर्स को देता है कि हमारे बॉलर्स उस टारगेट को डिफेंड करें। लेकिन ये देखें, बिल्कुल एक न्यू लुक पाकिस्तान टीम है। अगर बाबर आजम के अलावा आप बैटिंग लाइन देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि अब यहाँ से जब हम जिम्बाब्वे जाएंगे 24 को, जो पहला मैच होगा जिम्बाब्वे में, तो उसमें तो कप्तान भी चेंज हैं और सारे बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेशनल सिलेक्शन कमेटी अब सोच रही है कि इस फॉर्मेट में नई टीम को तैयार करके मैदान में उतारा जाए। वैसे जिस आसे आपको राशिद, आप जब देख रहे हैं कंडीशंस कैसे लग रहे हैं, डू यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन टू, आई मीन इन लोगों को ऑफ कोर्स ज़्यादा पता होगा कि वो आप कंडीशंस देख रहे हैं, टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट? दो मैचेस में देखें, जीते हैं। अगर मैच में देखते हैं तो पहले बैटिंग ज़्यादा बेहतर होती है, अगर आप एक टोटल सेट कर देते हैं, चेजिंग में हम छोटा एक टोटल नहीं ले सके, तो ये चाह रहे हैं कि हम सेट कर दें 170 तक, 175 रन करते हैं, बॉलिंग ऐसी है जो कि डिफेंड कर सकती है, तो मेरे ख्याल से जो वहाँ पे मौजूद है, जो मैनेजमेंट मौजूद है, उन्होंने पिच देख के फैसला किया होगा, ज़्यादा नहीं है ड्रॉप इन पिच है या नेचुरल पिच है, तो फ़र्क होता है दोनों पिचेज में। जो ड्रॉप इन पिच होती है उसमें वैसे बैट पे बॉल नहीं आती प्रॉपरली जिस तरह से नेचुरल पिच पे आती है, अगर ये नेचुरल पिच है तो पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल देना चाहिए। आपको वैसे कोई स्विंग दिख रहा है वैसे सो फार? मैं जो कैमरे में देख रहा हूँ मैच नहीं देख पा रहा। आप मैच देख सकते हैं, आपके लिए टीवी लगा। फ्लैट थोड़ी सी स्ट्रेट बॉलिंग की, एंगल के साथ बॉल की जॉनसन ने, और उन्होंने अपने लेंथ को वेरी किया है सिर्फ, जहाँ पे स्विंग नहीं मिल रही होती फिर आपको लेंथ को, एक बॉल आगे की साहिबजादा फरहान को, फिर थोड़ी सी पीछे की, फिर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, तो इनको ट्राई किया आउट स्विंग करने के लिए हसीब को, पॉइंट पे उन्होंने चौका मारा है, तो ज्यादा स्विंग होती तो शायद वो स्लिप या कॉट बाइंड होते। एब्सोल्युटली, हम लोग को एक क्विक ब्रेक लेनी है, हम आपको दोबारा मिलते हैं, जस्ट फ्यू मोमेंट्स, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने जबरदस्त एक 4 देखा मार्क स्टाइनर्स को, बाबर आजम ने कैसे, जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट आपको स्कोर के अपडेट दे दे, पाकिस्तान 35 for 1, लुकिंग गुड एंड लुकिंग कंफर्टेबल, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, एंड राशिद आई थिंक हसीबुल्ला का थोड़ा सा मैं सुन रही थी, कॉमेंटेटर्स कह रहे थे कि ही नीड्स टाइम टू सेटल, बड़े इंपेशेंट हो रहे हैं, बट अब आई थिंक ही इज सेटलिंग इन वेल। यंग प्लेयर हैं और इनको रोल भी दिया होगा, एक डिफाइन किया होगा इनको कि आपको ऐसे खेलना है, और जितना खेलते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, और ये बहुत यंग प्लेयर हैं, और वनडे कप में हमने देखा है इनको, T20 में दलमी की तरफ से देखा है, और बेखौफ खेलते हैं, अपनी विकेट को थ्रो करते हुए भी देखा है, लेकिन ज़्यादा सीखते जाएंगे अच्छा खेलते रहेंगे, लेकिन अच्छा मोमेंटम बनाया हुआ है दोनों ने, एक विकेट गिरने के बाद हसीब ने और बाबर आजम ने, दोनों के बहुत अच्छे बैट पर आ रही है, इसका मतलब ये पिच बहुत अच्छी है, मैक्सिमम रन करने हैं इस पिच पर हमें।
बिल्कुल मैक्सिमम रन करने पड़ेंगे। और भट्टी साहब, आई थिंक गुड टू सी के बाबर आजम अब वेल सेटल लग रहे हैं। अब लेट्स सी क्या होता है। बाप जल्दी से आपको स्कोर भी बता दें। बाबर आजम 18 फ्रॉम 8 बॉल्स एंड हसीबुल्ला ने 12 रन बनाने फ्रॉम 12, सो दैट्स अनदर 4। और पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त हो गया है 40 for 1। जी भट्टी, देखिए बहुत खुशी होती है कि बाबर आजम का जितना बड़ा दुनिया में नाम है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस में जब डिक्लाइन आया तो ज़ाहिर है क्योंकि हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहते हैं, हेडलाइंस में रहते हैं, तो क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन आज लग रहा है कि बाबर आजम कुछ प्रूफ करने के लिए जिस तरह वो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है कि एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है कि आपका सीनियर प्रो जाए आपको मैच जितवा दे, तो इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो ये देखें एक और उन्होंने बैक टू बैक दो चौके मारे ना मार्कस स्टाइनर्स, तो बाबर आजम अच्छी निक में नजर आ रहे हैं। और अगर इसी तरह वो खेलते रहे और कोई 12-14 ओवर खेल गए तो मुझे लग रहा है कि फिर पाकिस्तान काफ़ी बेहतर पोजीशन में। मार्कस स्टाइनर्स अब हो गए काफ़ी अपसेट, 3 बैक टू बैक फोर्स बाबर आजम के। प्योर एलिगेंस अब देख रहे हैं राशिद, आप भी देख लोगे बाबर के फॉर्म एंड जस्ट द वे ही इज प्लेइंग। आज पिच बहुत स्लो, हाँ पिच स्विंग भी कम हुई, सीम भी कम हुई, अच्छी बैट के ऊपर आ रही है। वो पिछले मैच में अगर हम देखते हैं वो शुरू के 3 ओवर 48 रन बने थे, उसके अलावा ना ऑस्ट्रेलियंस सही से खेल पाए, हम तो खेल ही नहीं पाए ना, हमने तो बाउंड्री लगाई नहीं। तो इसका मतलब है कि पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। होबार्ट में बहुत अच्छी पिच लग रही है और इसमें जब बैक पे बॉल आ रही है, जब आप पॉइंट पे अगर खेलना चाह रहे हैं वहीं पे जा रही है, कट मारना चाह रहे हैं और पुल मारना चाह रहे हैं और बैट पे आ रही है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम रन करने हैं आपको, आप छोड़ नहीं सकते। जो भी आउट हो आए नेक्स्ट वहीं से मोमेंटम को ले, और तकरीबन 9 रन पर ओवर के हिसाब से तो हमें जाने ही जाना है। वो लास्ट 2-3 ओवर में डिसाइड होगा कि 12 रन पर ओवर जाते हैं और हम 200 कर पाएँ। मैं बहुत अर्ली कह रहा हूँ लेकिन ये पिच लग रही है, ये बहुत अच्छी बैटिंग पिच लग रही है। सर आपके लिए व्हाट्स आप किस स्कोर पे सेटल करेंगे? आई नो अर्ली है, मगर आपको क्या 180 175 180 तो हमें करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हम लोग बहुत धोखा देते हैं। हम जैसे ही स्टार्ट लेते हैं या इतने बनने चाहिए, पता है कि 150 पे आउट रहता है। वाई टीम है जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे 2 आउट होते हैं 12 ओवर में तो 19वें ओवर में पूरी टीम बाहर हो जाती है। इवन 7 ओवर का मैच हुआ था उसमें भी 9 आउट हो गए थे, वो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। इसलिए पाकिस्तान को प्रेडिक्ट करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो मास्टर क्लास चल रही है, साहबजादा फरहान का एक और चौका मैंने अभी देख रही थी। सो सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम लोग हसीबुल्ला के बात करें। हसीबुल्ला सेटल रन वेरी नाइस एंड बड़ी डेलिकेट टाइमिंग हमने बाबर आजम की देखी। गुड टू सी पाकिस्तानी बैटर्स लुक नाइस एंड स्टेडी, मगर राशिद लतीफ कह रहे हैं धोखा भी हो सकता है। सो वी सर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। एंड भट्टी साहब आई थिंक हम नीचे भी थोड़ी बैटर्स की बात करें, अगर जहानदाद भी डेब्यू करेंगे वो बैट भी कर सकते हैं। जी हाँ, जहादात से भी ज़्यादा मेरे ख्याल में, असल तो जहादात की जो स्पेशलिटी है वो तो उनकी बॉलिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में सलमान अली आगा पिछले दोनों T20 मैचेस में सलमान अली आगा स्कोर नहीं कर सके, बल्कि पिछले मैच में तो 0 पर आउट हुए। आज उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैटिंग में तो उन्होंने करना है फिर कप्तानी भी उन्होंने करनी है। तो मेरे ख्याल में सलमान अली आगा का ग्राउंड में आना स्कोर करना ये इंटरेस्टिंग होगा। काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े वैसे मार्कस स्टाइनर्स भी। अगर आप लोग ये मैच देख रहे हैं पाकिस्तान का स्कोर इज 50 for 1। एंड अभी आप बात कर रहे थे अबाउट कैप्टेंसी एंड राशिद आपने पहले भी बात की थी और हम चाहते हैं वापस रिपीट करें फिर अबाउट सलमान अली आगा, आपको पता है डोमेस्टिक में भी उन्होंने कप्तानी कर सके, वो इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। देखिए होता क्या है, जब आपके जो थिंक टैंक बैठता है साल 2 साल की प्लानिंग करता है कि हम अगर तीनों फॉर्मेट में एक रखेंगे तो कौन होगा, वाइट बॉल में होगा तो कौन कैप्टन होगा, टेस्ट मैच में कौन होगा, हम लोग चेंज कर रहे हैं। सिर्फ शान मसूद को भी कि तलवार उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आ गई है कि सब्जेक्ट टू सिलेक्शन या फिटनेस, तो इस तरह से कप्तान नहीं बनाए जाते। और अभी हमने बात की थी शाहीन कैप्टन थे थोड़े अरसे पहले, फिर बाबर वापस आए वर्ल्ड कप में, फिर वो हट जाते हैं, फिर अभी रिजवान आ गए। तो जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेके आए हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। सलमान अली आगा जिनका डेब्यू हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैप्टन अगर आते हैं तो किस बेस पे आते हैं, क्या वो PSL में कप्तानी करते हुए आए हैं, क्या वो लाहौर से कप्तानी करते हुए आए हैं, तो उनका थोड़ा बहुत तजर्बा ज़रूर है लेकिन उनकी टीम ग्रुप से ऊपर गई नहीं, चलें ये भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म रिजॉल्व करेगा इशू, हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म होता है कि जब प्रॉब्लम है, हम तो हर वक्त ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो जब हमारे पास लीडर नहीं होगा कैप्टन नहीं होगा
कोच नहीं होगा तो टीम को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो ये एक चीज़ है जिसको सॉल्व करना पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा राशिद भाई, जिस तरह अभी आपने शान मसूद की बात की, ये जो कप्तानों के सर के ऊपर तलवार लटका कर पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट क्या कप्तान को कंट्रोल करना चाहती है कि बिल्कुल कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ इन मामला से। रात वो तो जनरल तौकीर रियाज साहब थे, समझदार थे कि हमारे रिएक्शन को समझ जाते थे कि प्लेयर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि नुमाइंदगी मुझे प्लेयर्स की करनी है, उनके हक़ के लिए भी लड़ना होता है, उनके नंबर्स के लिए भी लड़ना होता है, और इस वजह से। लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं कैप्टन को, लेकिन उस वक्त जावेद मियादाद पे हारून रशीद थे, लेके आए, और मकसद यही था कि हमें टीम को बेहतर करना है। उसमें गलतियां हुई हमसे, लेकिन वो प्लेयर हमने सेलेक्ट किए जो नेक्स्ट 10 ईयर खेले, जिसमें मोहम्मद हफीज़ भी थे, और कमबैक हुआ था मिसबाह-उल हक का, कमबैक हुआ था उमर राना, उमर गुल, दानिश कने, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि आए और वो 10 साल खेले। तो प्लेयर्स का, और आमिर सोहेल का जिक्र करना चाहूँगा कि वो भी डेडिकेटेड थे उस टीम को बनाने में। प्लेड अ की रोल। एनीवे हम लोग हमारी कॉन्वर्जेशन जारी रहेगी। आज जियो हैशटैग सोशल मीडिया पे आपके सवाल भी आ रहे हैं, और कुछ जो कह रहे हैं कि प्लीज़ राशिद भाई को दिखाएं कि साहबजादा फरहान किससे आउट हुए, तो व्हाट इज ही लैक एज ए बैटर, तो वो दिखाते हैं और वापस बताएं कि क्या किस चीज़ वो क्या लैक करते हैं, ये सवाल आया मेरे पास। बट एनीवे ब्रेक के बाद हम इस पर बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान का अच्छा सॉलिड स्टार्ट हुआ था, बट बैक टू बैक 2 विकेट्स डाउन हुई हैं, तो उस पर हम आपको जल्दी से अपडेट कर दें। अभी तो उस्मान खान आए थे एट नंबर 4, बट ही इज़ गॉन बैक टू द ड्रेसिंग रूम। बट उसके पहले हसीबुल्ला को अटैक किया एडम ज़ैम्पा ने, एग्जैक्टली वॉट ही डज, ब्रिंग्स इन अप स्पिन लेकर आते हैं, एडम ज़ैम्पा गेट्स यू अ ब्रेक थ्रू ईच टाइम। एंड राशिद अतीब भी हमारे साथ है, तो उनसे भी बात करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा डिसबैलेंस या कुछ हुआ है हसीबुल्ला का, जैसे आउट नहीं, रीड नहीं, जब आप राइट आर्म लेग स्पिनर या रिस्ट स्पिनर को रीड नहीं कर पाएंगे तो उसमें मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने रीड नहीं की और थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर थी, और इंस्ट्रक्शन होती हैं ड्रेसिंग रूम से कैप्टन की, ऐसे खेलना है हमारा, ये फार्मूला है, इस तरह से हमें खेलें, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपको प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स मारने होते हैं, बैक टू बैक विकेट जब गिरती हैं वो प्रॉब्लम करती हैं। यहाँ पे दो विकेटें आगे पीछे गिरी हैं, उस्मान ने भी बगैर देखे निकल के मारी, वो पॉइंट पे बॉल गई है, हालांकि वो अगर खड़े रहते वो कहीं पर भी खेल सकते थे। इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही हैं, इनको ऑर्डर मिले हुए कि खेलना है, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करना है अपने आप को, थोड़ा टाइम भी देना होता है। 4-8 बॉलें आप खेल रहते हैं, अगर कैपेबल हैं आप इसके बाहर फेंक सकते हैं तो वेट करें अपने टाइम का, हर बॉल बाहर नहीं जाती ये ख्याल करना चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे क्या हम 20 ओवर में कितने रन बना सकते हैं, तो यहाँ पे अब लगता है कि 160 हम कर लें तो बहुत है, लेकिन गेम इसी तरह से चेंज होगा, यही खूबसूरती है इस गेम की। और बड़ी अच्छी जजमेंट थी नेथन एलिस की डीप में, उन्हें जो कैच किया उस्मान खान का, वेरी गुड वन, इज वेरी बैलेंस देयर। बट बट्टी साहब, आई थिंक अब थोड़ा पाकिस्तान कॉशियस भी होगा, बट अब सलमान अली आगा का रोल भी बहुत मज़ेदार होता है, लेट्स सी व्हाट ही डज विद द हिज एक्स कैप्टन। देखिए सलमान अली आगा ने जिस तरह अभी टेस्ट सीरीज में स्कोर किया, फिर वनडे सीरीज में, इस फॉर्मेट में अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सके, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो उसका दस्ते शफकत जो है वो सलमान अली आगा पर है। तो सलमान अली आगा के लिए भी एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि ऐसे पॉइंट पर जबकि आपके 3 विकेट गिर गए हैं, यहाँ से आप बाबर आजम के साथ मैच को निकाले, एक इतना टोटल करके दें जो हमारे बॉलर्स डिफेंड कर सके। जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे वो धोखा देने वाली बात, तो वो तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन मेरे राशिद भाई कई बार ये समझ में नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया के एनालिस्ट जो हैं वो जिस तरह का होमवर्क करके अपने बॉलरों को बताते हैं कि ये पाकिस्तान के बैट्समैनों की खामियां हैं, लेकिन क्या हमारे बॉलरों को ये बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि हम बार बार वो गलतियां रिपीट करते हैं। मेरे ख्याल से यही कमी है हमारे जो एनालिस्ट हैं या जो हाई परफॉर्मेंस कोचेज हैं, जिस तरह से कोचिंग करते हैं, कंडीशन कोचेज हैं। ऑस्ट्रेलियन उन्होंने रखे ज़रूर हैं, लेकिन शायद वो इक्विपमेंट उनके पास मुहैया नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप दूसरी टीम को एनालाइज नहीं कर पाते। आप वैसे ही खेलते हैं जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वैसे ही हम T20 खेलते हैं और वैसे ही हम सारे गेम खेल रहे हैं। पॉइंट आउट किया था बाबर आजम का फ्लॉप होना टेस्ट क्रिकेट में, वो जिस तरह स्पिनर्स को खेल रहे थे वो वनडे में भी वैसे ही खेलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सेम चीज़ कुछ बड़े प्लेयर्स में आती है, वो विराट कोहली के साथ भी आई थी, जब ये चीज़ को बिलीव नहीं करते, वो गेम से बड़ा समझते हैं, लेकिन जो आपका एनालिस्ट है जो कि बहुत ही
उसका काम ही यही है कि आइडेंटिफाई करता है, वो एरर को डिटेक्ट करता है, फिर करेक्ट करता है उसको। अगर बड़ा प्लेयर उसको काम नहीं करेगा तो मुश्किलात हो सकती हैं। आपने हालिया सीरीज इंडिया की देखी होगी, विराट कोहली फ्लॉप होते हुए नज़र आए आपको, आपने बाबर आजम को भी टेस्ट में, क्योंकि गेम से बिगर समझते हैं अपने आप को जो। और हमारे ये है कि ये तो बाबर आजम की बात करो, नीचे वाले जितने प्लेयर्स हैं उनको बताएगा कौन? मेरे ख्याल से हमें बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा, जिस तरह दुनिया खेल रही है। ये ऐसे ही नहीं खेल रहे कि वो मारना शुरू हो गए, और जिस तरह से इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था T20 में और पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, और उनका स्ट्राइक रेट हमेशा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इस साल तो देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें या इंडिया को देखें, दोनों टीम ने अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर किया है। तो बट्टी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है वो काम करे और परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो सकें। ठीक है राज भाई, आपने अपनी स्ट्राइक रेट का बात करें तो इसमें हम, बाय द वे, अगर आप लोग हमें देख रहे हैं अभी, हम इस पर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सो वी डू हैव सम, आपके पास, हमारे पास कुछ स्टैट्स एंड नंबर्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, पर हमने देखना है अब, ठीक है, एडम ज़ैम्पा वापस आ गए भाई इन प्ले, एंड एम एस शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया है, वहाँ से एडम ज़ैम्पा भी आ गए हैं जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड स्पाइसी। एंड अहमद, इट्स अ गुड सॉलिड स्टार्ट था, आई रियली वॉन्टेड हसीबुल्ला कि वो इसको आगे तक लेकर जाते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। देखिए, पहला बॉल किया ऑस्ट्रेलिया ने, हल्का सा आउट स्विंग मिला, उसके बाद पहले दो ओवर जो है ना, टीम्स कोशिश करती हैं कि थोड़ा स्विंग ढूंढे, उसमें थोड़े से आपको बॉल्स दिए जाते हैं, अगर स्विंग ना हो तो आपके एरिया में आता है और आप उसको यू नो पुट अवे भी कर सकते हैं, और बाबर आजम ने बड़े जबरदस्त तरीके से वो किया। उसके बाद अनफॉर्चुनेट रहे बाबर आजम के, उनको 2.5 ओवर उसके बाद स्ट्राइक ही नहीं मिली, हालांकि बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे थे। पावर प्ले में अगर ज्यादा बॉल खेलते तो यू नो बड़ा अच्छा हो सकता था, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इंटेंट नजर आया आज, यू नो सबकी तरफ से, बाबर की तरफ से भी नजर आया है, फरहान की तरफ से भी नजर आया है, हसीबुल्ला की तरफ से भी नजर आया। अनफॉर्चुनेटली वो गुगली किया ज़ैम्पा ने, जिसके पर वो लाइन से बहुत दूर हो गए और शॉर्ट थर्ड मैन कैच हो गया, लेकिन रेकलेस शॉट मारा है यहाँ पे उस्मान खान ने। आई मीन पिछले मैच में उन्होंने 50 किया था, समझ आती है अटैकिंग खेलने की भी समझ आती है, लेकिन 125 पे लड़का बॉलिंग कर रहा है, उसको इतना नीचे उतर के कि आपका सर और लाइन दोनों जमीन आसमान का फर्क हो जाए, आप इस तरह नहीं करते हैं। रेकलेस खेलने में और अटैकिंग खेलने में फर्क है जो उस्मान खान यहां मिस कर गए। अभी तो सलमान अली आगा भी थोड़े से एजी लग रहे हैं। देखिए, ये मुझे थोड़ा क्रिटिकल होता है कि 8वें 9वें 10वें ओवर में, हमने पहले ही बात की, यहाँ सिंगल सिंगल लेके गेम से बाहर होते जाएंगे हम। पिच लग रही है जैसे पावर प्ले में पिच लगी, बैक पे आ रही है बॉल, रन बन रहे हैं, और यहाँ पे ज़ैम्पा ने हमें बिल्कुल रोक के रख दिया है। इंटेंट दिखानी पड़ेगी आपको, अपनी फीट यूज़ करके उसको 1-2 छक्के मारने पड़ेंगे, वरना 10 ओवर तक हमें लगेगा कि हम मैच से बाहर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ओली यू नो ने बिल्कुल फंसा दिया था एडम ज़ैम्पा ने, बट एनीवे आपको स्कोर अपडेट दे दे, पाकिस्तान है 70-3, और अगर आप लोग देखते कि वहाँ कहाँ देख रहे हो, वहाँ मैच देख रहे होते तक एग्जैक्टली ये लुक है हमारी मैच देखने की। पर हमारे साथ रहे, हम लोग आपको और भी अपडेट देंगे। 70-3 बाबर आजम, सलमान अली आगा ट्राइंग के होबार्ट पे वो कुछ आगे लेकर जाए मैच को। सो स्टे विद अस एंड डोंट गो एनीवेयर, सी यू इन जस्ट अ मोमेंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के जो आज मैच में कैप्टन है सलमान अली आगा, वी गॉट आउट जब हम आप ब्रेक पे थे, एक रन बना के, ही वाज LBW था, एंड सलमान अली आगा किस तरह हुए वो भी हम आपको दिखाएंगे। देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन द बैट एंड पैड, और हमारे एक्सपर्ट्स उस पर एनालिसिस देंगे। बट अभी इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है 78-4। ओके, दैट्स एग्जैक्टली हम लोग दिखाना चाह रहे हैं सलमान अली आगा का। राज भाई, आपकी एनालिसिस हमने इस पर चाहिए होंगी। मुश्किल टाइम होता है कि कैप्टन, फिर उसके बाद आपका फॉर्मेट भी नहीं है, 9 बॉल ली उन्होंने 1 रन के लिए और आउट हो गए, और यहाँ पे 58 अगर हमने पावर प्ले में किया है, उसके बाद टोटल 14 रन किए हमने 4 ओवर में नेक्स्ट ओवर में, तो मैच से बाहर या दूर होने के जो निशानियाँ हैं वो यही होती हैं। आपकी विकेट गिरी है, गिरने दें, लेकिन आपका मोमेंटम कम नहीं होगा और सेंसेबल बैटिंग करनी चाहिए। स्ट्राइक रोटेट करते भी हैं तो 6 बॉल पे 6 रन तो बनते हैं, चले 5 रन बन जाते हैं, बीच में एक बाउंड्री ज़रूरी है, और ऐसी बैटिंग पिच पे मेरे ख्याल से ये जो 7 से 10 ओवर हैं ये हमें कॉस्ट कर जाएंगे। सो इट्स पाकिस्तान 82-4, और लेट्स सी कि अब ये थोड़ा सा क्या डेंट पड़ता है पाकिस्तान टीम को, या बाबर आजम थोड़ा एलिवेट करेंगे सिचुएशन को। इरफान खान जो है वो नए बैटर आए हैं इस वक्त क्रीज पे। तो पाकिस्तान के 4 विकेट्स किस तरह गिरी, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट दोस 4 विकेट्स, और फिर हम एम एस शहजाद से बात करेंगे। Straight up in the air, should be the first wicket. Johnson coming off 5, he's got his first.
Butler takes the catch, bit extra. Catch it. Thick outside edge. Always gets his man, Adam Zampa. Skipper says we review a few of those comments. That is just smashed away over the offside, man on the rope. Steps on the rope, gets off the rope, takes the catch. Really well done by Ellis. As the ball came in tonight. Well worth a shout. Yep, finger was always going to go up there. Salmon looked absolutely dead. Hardy breaks through and Pakistan, after such a bright start, are falling in a hole. आयरन हार्डी का शिकार बने सलमान अली आगर एंड अहमद थोड़ा बड़ा स्लगिश स्टे था उनका क्रीज पे. आई मीन वी सॉ हिम जस्ट बीइंग वेरी स्लगिश एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग था उनको देखना. आई थिंक राशिद भाई ने ठीक बोला है. राशिद भाई ने बोला कि ये उनका फॉर्मेट ही नहीं है. आप जबरदस्ती उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लकीली बहुत बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम की कहानी भी कर ली है. ये बहुत बड़ा ऑनर है. आप उसके उनके साथ हमेशा ही फॉर्मर कैप्टन ही लगा करेगा. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर दुनिया की क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पावर हिटर्स आपको नजर आएंगे कि जो लंबे लंबे छिक्के मारते होंगे, स्ट्रांग होंगे, जिनका ये फॉर्मेट है. और बड़ा मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल प्लेयर के लिए टी ट्वेंटी के अंदर छवें नंबर पे आके बैटिंग करना. बहुत एक्सपेक्टेशन होती है और पाकिस्तान ज्यादातर जब ऊपर से खेल रहा होता है इन्हीं नंबर्स पे आके स्ट्रगल कर रहा है. तो वहां पे सलमान अली आगा का जो स्टे था बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया. शेकी नजर आ रहे थे, पैर उनके बिल्कुल चले नहीं. जिस बॉल पे वो आउट भी हुए हैं लग ऐसे ही रहा था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट बॉल आएगा और पैर वहीं पे स्टक हो गया और बीच में से वो इस तरह झाड़ू सा मार गए हैं और बीच में सीधा खा गए हैं. तो ये चीजें मैच आपको नीचे लेके जाती है. और पाकिस्तान अच्छे स्टार्ट के बाद जो है तब फिर 85 पे 4 हो गए और 12वां ओवर चल रहा है. सो आई थिंक ये दो बैटर्स जो खेल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको लंबा लेके जाना, 17वें 18वें ओवर तक लेके जाना, एट द सेम टाइम मोमेंटम को भी अप रखना. 12वें ओवर का खेल जारी है बट ये सब एग्जैक्टली मोमेंटम अब टूटना नहीं चाहिए. मगर अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा मैच अब ये यहाँ आके एक डल हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन दिखती है बैटर्स की. तो बट ऑल आईज ऑन बाबर आजम. बिल्कुल, मेरा ख्याल बाबर आजम लास्ट मैन स्टैंडिंग. लेकिन फातिमा परसों जो राशिद भाई ने एक वो स्टैट्स दिखाए थे कि हम जहाँ लैग कर रहे हैं 1 2 3 4 पे नहीं कर रहे हैं, 5 और 6 नंबर की वो पोजीशन है जहाँ आप सलमान अली आगा खेल रहे हैं. तो ये वो पोजीशन है जहाँ से या तो मैच बनता है या मैच बिगड़ता है. मेरे ख्याल में अब सलमान अली आगा ठीक है, जिम्बाब्वे के 3 T20 अभी बाकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद अब इस फॉर्मेट में उनके बारे में भी सोचो विचार की ज़रूरत हो कि हमारे पास देखें या तो प्लेयर ना हो, लेकिन एक प्लेयर को ज़बरदस्ती हम उस फॉर्मेट में फिट करने जा रहे हैं. तो ये जो प्रेशर बिल्ड होगा, फिर जो दूसरे दो फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ भी उस पर प्रेशर बिल्ड होगा. लिहाजा देखें ना, अच्छा स्टार्ट आज पावर प्ले में पाकिस्तान ने 58 रन बना लिया, हालांकि पिछले मैच में 30 रन बने थे. तो वो जो एडवांटेज था अर्ली वो अब हम लूज कर गए. और राशिद भाई तो आज लग रहा है कि इन्होंने भी कोई चिड़िया पाल ली है. नहीं, उन्होंने कहा था कि धोखा. अच्छा, आपने पूछ लेंगे, आई एम सो सॉरी, मेरे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. इट्स नॉट एवरी डे कि आपके साथ इतने सारे बिग स्टार्स और वो आपको मैच देख रहे हो. सो डोंट गो एनीवेयर. अभी हमारे पास फिलहाल इतना वक्त है, 2 बजे के हेडलाइंस के बाद हम दोबारा आपके साथ मैच देखेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर.